कौन सी कंपनी से हैं आप लोग? आर्यन से। कब से यहाँ पे आप लोग, आपकी कंपनी है यहाँ पे? जब से अच्छा जब से शुरू है तब से आप ही कंपनी काम कर रहे ना? अच्छा पहले यहाँ पे दूसरी कंपनी थी, फिर उसके बाद आपकी कंपनी आई है, तभी लेट हुआ है ना? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अवध के प्रिंस वंस अगेन। और आप सभी को मैं आज लेकर के आया हूँ काकोरी रोड, आउटर रिंग रोड का अपडेट देने के लिए, काकोरी साइड का। और इस वक्त हम हैं, ये आगरा एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे के हम इस साइड में हैं, और उस साइड में आपका पड़ेगा गोसहालगंज, और गोसहालगंज के आगे मोहान, मोहान से मोहान आउटर रिंग रोड, मोहान के बाद आरओबी रेलवे ओवरब्रिज हमने देखा, फिर इसके बाद जो है कानपुर एक्सप्रेसवे, और फिर उसके बाद बिजनौर, फिर उसके रायबरेली रोड, कुछ इस तरीके का उस साइड में निर्माण हो रहा है हमने देख लिया। और आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है आपका आगरा एक्सप्रेसवे के इस साइड का, काकोरी साइड का। तो आज हम आपको दिखाएंगे काकोरी तक का अपडेट, और किस तरीके का यहाँ पे काम है, और किस तरीके से काम हो रहा है, और क्या सही में जो डेडलाइन दिया गया उस डेडलाइन पे ये आउटर रिंग रोड कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा इस आउटर रिंग रोड के बारे में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हैं कि क्या लगता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि ये आउटर रिंग रोड जो है नवंबर 2023 में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। और ये देख सकते हैं ये डंपर, इसमें जो है गिट्टी मोरंग और जो मिट्टी वगैरह है ये सब जो है डाल करके ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जंजीर यानी स्ट्रक्चर जो है ये पिलर के लिए दे दिया गया है। यहाँ पे जो है सरिया है, आप देख सकते हैं सरिया के ढांचे तैयार किए गए हैं दोनों साइड में, एक इधर में और यहीं पे पिलर ढाला जाएगा। और इस साइड में देख सकते हैं इसी के पिलर के ढांचे तैयार करने के लिए ही सरिया यहाँ पर रखा गया, और सरिया को जो है मशीन से काटा जा रहा है। ये देख सकते हैं कुछ प्लेट्स हैं यहाँ पर, और पाइप रखे गए हैं, और वो मशीन है वो देख सकते हैं। अभी तक हमने इतनी बड़ी मशीन नहीं देखी है सरिया काटने वाली, तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये है मशीन जिससे सरिया काटते हैं। तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि साइड में ये साइड लेन जो है ये सिर्फ अभी इसमें मिट्टी का ये रोड है, इसको पक्का रोड नहीं किया गया, तो यही मिट्टी के रोड से ही हम निकलेंगे और चलेंगे काकोरी साइड तक अपडेट देने के लिए। तो आप सभी वीडियो में एंटर कर चुके हैं, और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आपने पहली बार हमारे चैनल विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गार्डर्स है, इधर दो चार छः गार्डर्स इस साइड में रखे गए हैं, और पीछे में भी छः गार्डर्स रखे गए हैं। यहाँ पे जो पिलर पड़े पिलर के ऊपर में, जब पिलर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ये गार्डर्स रखे जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर शटरिंग की जाएगी इस गार्डर के ऊपर से, फिर उसके बाद पक्का रोड दिया जाएगा डामा रोड। तो इस तरीके से, और ये देख सकते हैं ये लोकल लेन है मिट्टी का है, लेकिन तैयार है ये, देखते हैं कहाँ तक ये तैयार है। हम देख पा रहे हैं कि आगे तक थोड़ा सा ही मिट्टी का ये रोड है साइड लेन, बाकी आगे पक्का हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम जहाँ पर भी गए हैं तो साइड लेन बिल्कुल रेडी है, मतलब कनेक्टिविटी साइड लेन वाली हो चुकी है, होप सो कि आगे भी ये हो गई हो। और ये देख सकते हैं क्रेन से फ्लाइज को फैलाने का काम किया जा रहा है। सौ मीटर आगे बढ़ने पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फ्लाइज पड़ा हुआ है, यहाँ पे पक्का रोड नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा गड्ढा है, कुछ इस तरीके का। इधर साइड लेन बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल क्लीन है। अगर जिनको भी आगरा एक्सप्रेसवे से अगर आना है इस साइड में, तो इस साइड में लोकल लेन से आ सकते हैं। मुझे लगता है जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 104 किलोमीटर का लोकल रोड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, भले ही वो मिट्टी की हो, लेकिन हाँ जाने आने के लिए कनेक्टिविटी दे दी गई है। और ये देख सकते हैं ये अभी हाल ही में इसको बाउंड्री किया गया, ये देख सकते हैं अभी। और ये देखिए ये ब्रिज अंडरपास है जो कि कनेक्ट नहीं है अभी, ये देख सकते हैं गैप है इस बीच में। और यहाँ पे नाला भी अभी नहीं बना है, इधर नाला तो अभी पॉसिबल है नहीं,
जब तक फोर लेन रोड जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेन आउटर रिंग रोड कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये वाला, तब तक इधर नाले भी देने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक नाला नहीं पड़ेगा तब तक बैरिकेड भी नहीं करेंगे। लखनऊ साइड का उस साइड में जो है, रायबरेली साइड का और आपका कानपुर एक्सप्रेस वे उस साइड का रोड देख करके ये डेट नहीं दिए गए, क्योंकि वहाँ पर तो कम्प्लीट हो ही चुका है। ये इस तरफ के नज़रिया से जो है नवंबर का डेट दिया गया, ताकि यहाँ पर काम हो समय पर हो जाए। और लेट होने का भी कारण है कि यहाँ पे जो पुरानी कंपनी थी वो जो है छोड़ के काम अधूरा छोड़ के चली गई, और फिर काफ़ी समय तक ये काम बंद रहा। लेकिन अब जो है यहाँ पे कंपनी, दूसरी कंपनी आ चुकी है। होप सो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है काम करके इधर ख़त्म करें, क्योंकि तो ऑलरेडी जो है 6 साल लेट हो गया है। यही देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाई एस पड़ा हुआ है। अभी इसका फ्लाई समतली का काम होगा, फिर उसके बाद एक्सकेवेटर लगेगी, एक्सकेवेटर से इसको मिलाया जाएगा, फिर इसके बाद रोलर का काम होगा, इधर रोलर से बैठाया जाएगा, फिर उसके बाद जा कर के उस पर डामा रोड बनाया जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पैनल्स अभी पूरे नहीं लगे हैं, फ्लाई समतली का काम हो रहा है। इधर इस साइड में ही काम जोरों शोरों से हो रहा है। यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है और मशीनों की ज़रूरत है। मशीन यहाँ पर लिमिटेड दिख रहे हैं और लोग भी लिमिटेड हैं। यहाँ पर जब काम कम्प्लीट कर लेंगे तब जा कर के ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, वर्कर्स जो है और लाए जाएं। फ्लाइस ला करके यहाँ पे गिराया जा रहा है ताकि इसमें भरा जाए। और गाइस देख सकते हैं आप, इसमें जगह बीच में छोड़ा गया है इस बिजली के खंभे लगाने के लिए इस साइड में। और गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ग्रीन कॉरिडोर का जो है अपडेट दूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी जो है ग्रीन कॉरिडोर का, लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है मे बी वो शुरू हो चुका है, तो उसको मैं दिखाऊंगा। और जिनको एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन पता है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे मदद मिल पाए कि मैं डायरेक्ट पहुंच पाऊं। क्योंकि अगर मुझे लोकेशन क्लियर नहीं रहता तो थोड़ा समय लग जाता है पता करने में। और अगर आप डायरेक्टली आप मुझे बता दोगे कमेंट में, तो फिर मैं डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच करके और चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको अपडेट देने में। ग्रीन कॉरिडोर का अभी पहले तो ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए आउटर रिंग रोड की, फिर उसके बाद मैं ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट दिखाऊँगा, और उसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे भी दिखाऊँगा मैं। अभी बहुत सारी चीज़ें लखनऊ में है, यूपी में है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत है और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और घर में भी काफ़ी इश्यूज चल रही है, तो उसकी वजह से कभी डिले हो जाता है, तो आप उस चीज़ के लिए माइंड मत करना। और इस साइड में देख सकते हैं आप कि इस तरीके का इधर का लोकेशन है, कहीं पर काम हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ है, कहीं पर काम हो रहा है तो कहीं पर काम बिल्कुल ख़त्म ही है, बिल्कुल हुआ ही नहीं है। तो इधर में कुछ इसे डमाडोल चल रहा है। जो नाला है बहुत बड़ा नाला है, इसके लिए जगह छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं साइड में जो है इसको ढाला गया और उसके बीच में जगह छोड़ा गया है। और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दूर और आगे हम बढ़ें तो इधर देख सकते हैं कि ब्रिज तैयार हुआ है, मतलब अंडरपास तैयार हुआ है। बाकी इधर में कुछ तैयार नहीं है, इधर फ्लाइज भी नहीं पड़ा हुआ, इधर में सिर्फ पैनल्स थोड़े बहुत लगे हैं, बाकी ये अंडरपास बना है। और इधर काफ़ी काम बचा हुआ है, ये देख करके मुझे काफ़ी दुखी हो रही है ये कि इधर में काम इतना इनकम्प्लीट है, कैसे हो पाएगा नवंबर तक कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आपका आउटर रिंग रोड टोटल जो है, मेन फोर लेन है वो 9.7 मीटर की है, और एक लेन और लोकल लेन है वो 7.9 मीटर की लोकल लेन है। तो कुछ इस तरीके से इधर का अपडेट है। और आगे में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इधर कॉन्क्रीट ही पड़ा हुआ है, गिट्टी ही सिर्फ पड़ी हुई है रोड पर, बाकी इधर पक्का रोड नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इस साइड में कितना काम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। इधर में वक्त लग जाएगा और इधर में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट के कुछ चीज़ें तो बनी बिल्कुल बनी ही नहीं, जैसे कि नाला है इधर, बैरिकेड है, फिर इसके बाद जो है फोर लेन तो मुझे यहाँ पर पूरा कहीं दिख ही नहीं रहा कि कहीं पर भी जो है कम्प्लीट हुआ हो। तो इसमें यहाँ पर अभी इस तरीके का नज़ारा है और ये देख करके मुझे काफ़ी दुखी हो रही है। और आपको क्या लगता है कि कब तक इस साइड का काकोरी आउटर रिंग रोड कंप्लीट हो पाएगा? और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अंडरपास दिया गया है, एक छोटा सा अंडरपास, ये देखिए। और गाइज हम पहुँचने वाले हैं काकोरी रोड पे,
ये देखिए यहाँ पे भी सिर्फ अंडरपास बना करके छोड़ दिया गया है, और इधर में सिर्फ फ्लाइस पड़ा हुआ है। यहाँ पे साइड साइड में जो है सिर्फ पैनल्स रखे गए हैं, और ये है हार्ड्रा। एक पैनल उठा कर लेकर के जा रहे हो कहीं और या फिर उतार रहे हो? उतार रहे हो ये भी लगने के लिए ना। कौन सी कंपनी है? ANTL है। कंपनी तो अच्छी है यार, बड़ी कंपनी है, फिर स्लो इतना। इस साइड अभी काकोरी नहीं पहुंचे हैं, और ये देख सकते हैं ये एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ से एक ट्रेन भी गुजर रही है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, ये देख सकते हैं ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी जा रही है ये। और ये रेलवे ट्रैक के नीचे से एक अंडरपास है छोटा सा, इस साइड से उस साइड जाने के लिए, और काफ़ी छोटा ये अंडरपास है। ये देख सकते हैं हम निकल गए हैं, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का जैसे पीछे था वैसे ही यहाँ पर भी नज़ारा है। चीज़ें जो हैं वैसे ही हैं, सिर्फ पैनल्स लगे हैं, बाकी कोई काम यहाँ पर है नहीं, अधूरा हुआ है, अधूरा पड़ा है। बाज नगर है, बाज नगर है। अच्छा, और ये आगे रोड जो है ये बाज नगर की मेन चौराहा है, बाज नगर का मेन चौराहा है। अच्छा, और ये हरदोई वाला रोड है ना, हरदोई रोड देख सकते हैं। और यहीं पे ये आउटर रिंग रोड का जो यहीं से काकोरी भी जाता है, ये आप यहाँ से जो है लेफ्ट जाएंगे, मैं तो इधर आगरा एक्सप्रेसवे से साइड लेन से होते हुए आउटर रिंग रोड के आ रहा हूँ। तो अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो काकोरी जाएंगे, काकोरी फिर उसके बाद जो है आप मलिहाबाद, और हमने जो है अपडेट दिया था हरदोई लखनऊ हाईवे का, जैसा कि देख सकते हैं आगे में वो बन रहा है। और ये है आउटर रिंग रोड का अंडरपास, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी लगातार यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन चीज़ें जो दिख नहीं रही हैं, पता नहीं कितना स्लो काम चल रहा है इस साइड का। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इनके इस साइड का काम देख करके, ये खासकर जो है काकोरी साइड का काम देख करके। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं आगे चल करके कि किस तरीके से कितना काम हुआ है, आगे भी कुछ काम सही हुआ है या फिर ऐसा ही जितना हमने पीछे देखा था ऐसा ही काम है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आ गए हैं ये आपका हरदोई रोड पे, और हरदोई रोड के पास में आप देख सकते हैं कि काम अभी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, सिर्फ फ्लाइस पड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी नहीं हुई है। चार अभी पैनल जो है सात पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते आपको दिख रहा होगा दो तीन नीचे हैं बाकी जो दिख रहा है, और फिर चार पैनल्स और लगेंगे ताकि ऊपर में कम्प्लीट हो पाए। तो अभी जो है अभी इसमें वक्त है, वक्त लगेगा। और सामने आप देख सकते हैं हार्ड्रा से पैनल्स को फिट किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। वाह भैया, हरदोई आउटर रिंग रोड का जो मैंने अपडेट दिया है, ये चीज़ जो है किसी ने अपडेट नहीं दिया है। मैं आपको ये सीरीज़ के तहत जो है 104 किलोमीटर पूरा अपडेट दूंगा और पूरा कंप्लीट करूंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना, बस अपना स्नेह बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, आप लोग कमेंट करते रहिए रेगुलर, और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से इस आउटर रिंग रोड कवर कर पाऊँ, कानपुर एक्सप्रेसवे कवर कर पाऊँ मैं, हरदोई लखनऊ हाईवे कवर कर पाऊँ मैं, और जितने सारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उसको मैं कवर कर पाऊँ, और फिर एयरपोर्ट्स कवर कर पाऊँ मैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप सभी का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑयल दिया जा रहा है इस टैंक से, और ये देख सकते हैं ये डामा रोड
देने का काम चल रहा है, डामा रोड दिया जा रहा है। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे मशीनें लगी हैं, यहाँ तक अभी डामा रोड तैयार कर दिया गया है। बाकी जो अंडरपास है वहाँ पे जगह छोड़ा गया, 50 मीटर जगह छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे और भी ऊंचा करेंगे पैनल्स को लगा करके, और इस साइड में डामा रोड बना रहे हैं। और आगे चलते हैं, आपको मैं अच्छा खासा अपडेट दूंगा, और काफ़ी ब्रॉड एरिया में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन, ये आपका सपोर्ट ही है जो मैं इतने दूर आ करके आप सभी को अपडेट दे रहा हूँ। और गाइज, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, इंस्टा ग्रुप में शेयर करिए, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी फैमिली बन पाए। और ये देख सकते हैं आगे में अभी अंडरपास बना हुआ है वहाँ पे, और बाकी मिट्टी पड़ा हुआ है, और साइड साइड में पैनल्स लगाए गए हैं, और ये आपका साइड लेन कॉन्क्रीट ही है, गिट्टी का है लेकिन बना दिया गया है, रेडी कर दिया गया है, और इधर से उधर मूव करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि इससे आउटर रिंग रोड के लोकल लेन की बात करें, तो लोकल लेन जितने हैं ये अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, कहीं भी नहीं छूटा है, मतलब जगह बना दिया गया है, भले ही वो पक्का रोड वहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन हाँ जाने आने के लिए सफिशियंट बना दिया गया है। तो इस तरीके का ये अपडेट है इस आउटर रिंग रोड का, और होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो। तो इसी तरीके का नज़ारा है, और इसी तरीके का अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ इसी तरीके का अंडरपास बना हुआ है, चलिए वहाँ पर भी चल करके देख लेते हैं, जब यहाँ तक आ चुके हैं तो फिर उधर भी चल लेते हैं, और चल करके कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए हमारे कैमरे के थ्रू, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में दिखाऊँगा। और ये देख सकते हैं साइड साइड में घर बन रहे हैं, और कुछ प्लॉट्स भी खाली हैं इस साइड में, और इस साइड में भी अभी नाले का काम नहीं हुआ है और बैरिगेड का काम नहीं हुआ है, और हम पहुंचे हुए हैं ये देख सकते हैं जहाँ पे एक अंडरपास है, और ये जगह का नाम मैं बताऊँ आपको, कौन सा जगह है ये, कौन सा जगह है ये जगह है, प्रेम सराय है, प्रेम सराय, प्रेम राय, क्या है काम बहुत छूटा हुआ है इधर, काम हो रहा है। हाँ काम, कौन सी कंपनी से आप लोग, अरियन से, कब से यहाँ पे आप लोग, आपकी कंपनी है यहाँ पे, कंपनी हमारी काफी बड़ी है, जब से आगे कर रही थी काम। अच्छा, जब से शुरू है तब से आप ही कंपनी काम कर रहे ना, उसके पहले बीच में और कंपनी रही थी, दूसरी कंपनी। अच्छा, पहले यहाँ पे दूसरी कंपनी थी, फिर उसके बाद आपकी कंपनी आई है, तभी लेट हुआ है। क्या काम चल रहा है यहाँ पे, अच्छा मतलब फ्लाई एश का है ना, मिट्टी फ्लाई एश और पैनल लगाए जा रहे हैं, और ये ब्रिज अभी तैयार हुआ नहीं है ना, अच्छा पूरा हो गया, आगे आगे कौन सा एरिया पड़ता है, यही सतुआ आएगा, फिर मलहा आएगा, सतुआ मलहा, फिर उसके बाद आपका काकराबाद आएगा, काकराबाद यही आप सीधा अगर जाएंगे तो यही आएगा। अच्छा चलिए ठीक, हाँ जी वही चीज, भैया समझ गए हैं कि सर्वे कर रहे हैं। देख सकते हैं ये मिट्टी बैठाया जा रहा है रोलर से। तो दोस्तों, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आपको फिर से अपडेट देते हैं दूसरे जगह का। आपको इसके बाद आएगी कानपुर एक्सप्रेसवे की अपडेट, क्योंकि हमने शेड्यूल बनाया हुआ कि हर हफ्ते का आपको जो है कानपुर एक्सप्रेसवे अपडेट देंगे, क्योंकि लगातार वहाँ पर काम चल रहा है, रेगुलर बेसिस पर काम चल रहा है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। तो उसका जो है आप लोगों ने ही कहा था कि भाई वीकली अपडेट्स दीजिए कानपुर एक्सप्रेसवे का, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसकी वीडियो अब इसके बाद आएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फाइनली गाइज, यहाँ से रोड बना हुआ है, यहाँ का रोड पूरा कम्प्लीट है, ये देख सकते हैं पेंटिंग भी कर दिया गया है। तो फाइनली गाइज, ये इस वीडियो में कहीं तो मिला कि पूरा रोड कंप्लीट है, इस रोड को देख करके खुशी हुई कि आगे चल करके यहाँ पे काम कंप्लीट है। तो ये देख सकते हैं कि इधर में जो है पूरा रोड कंप्लीट हो चुका है,
तो अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे अपडेट आगे की ओर देंगे और चलेंगे सीतापुर रोड साइड में अपडेट देने के लिए। तो बी रेडी और मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। और इस साइड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब ये रोड पूरा कंप्लीट हो चुका है इस साइड में, और फुटपाथ का भी निर्माण किया जा रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इतनी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं इस आउटर रिंग रोड पे, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन।